Divya Sharma, www.myfitnessbeauty.com. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. मैं हूं दिव्या शर्मा. आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि हाई बीपी में एक ऐसी चीज जो आपको जरूर खानी चाहिए, जो बहुत आसानी से मिल जाती है और बहुत नॉर्मल सी है, वो एक चीज हाई बीपी में अमृत के समान है. तो आज इस वीडियो में उसी चीज के बारे में बात करेंगे. ये भी एक बात क्लियर है कि जो हाई बीपी का पेशेंट होता है, चाहे लो बीपी पेशेंट है, उसे जो मेडिसिन होती है हाई बीपी की, पूरी उम्र लेनी पड़ती है. लेकिन अगर वो आयुर्वेदिक तरीके से अपना ट्रीटमेंट करे, और दूसरी बात ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें जो कि हाई बीपी को कंट्रोल करती है, वही चीज़ें खाएं, तो हाई बीपी क्योर हो जाता है और सारी उम्र मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती, यानी लाइफ टाइम मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती. तो आज उसी एक चीज के बारे में बात करते हैं जो कि हाई बीपी में अमृत के समान है. ताकि सबसे पहली बात तो ये है कि आपको हाई बीपी में आयोडीन नमक नहीं खाना. आयोडीन नमक की बजाय आपने सेंधा नमक ही यूज करना है, जो कि हाई बीपी के लिए बहुत बढ़िया है. वैसे भी नमक ज़्यादा खाने से, हमें ये चीज़ मालूम है, नमक ज़्यादा खाने से हाई बीपी बढ़ जाता है, इसीलिए सेंधा नमक यूज़ करें जो कि आपके बीपी को नहीं बढ़ाए. अब बात करते हैं वो एक छोटी सी चीज़ की जिसे खाने से हाई बीपी क्योर होता है. आप अपना बीपी चेक करिए, उसके बाद एक नॉर्मल सी चीज जो है खीरा, खीरे को खा लीजिए और उसके बाद अपना बीपी चेक करें, तो आपको पता लग जाएगा कि अकेला खीरा खाने से बीपी क्योर होता है, हाई बीपी क्योर होता है. ये हमारे स्ट्रेस को खत्म करता है. जब भी हाई बीपी होता है तो माइंड पे स्ट्रेस बढ़ जाता है, और खीरा खाने से स्ट्रेस खत्म होता है और हाई बीपी कंट्रोल में आ जाता है. इसीलिए जिनको भी हाई बीपी है, उनको स्ट्रेस से दूर रहने के लिए और हाई बीपी को क्योर करने के लिए सुबह और शाम, यानी कि लंच में और डिनर में खीरा जरूर खाना चाहिए. ये छोटी सी चीज है, एक छोटा सा मैसेज है जिससे आप हाई बीपी से बच सकते हैं, हाई बीपी को क्योर कर सकते हैं. और जो लोग हमेशा ही हाई बीपी से बचे रहना चाहते हैं, बेशक उन्हें हाई बीपी नहीं है, तो उन्हें खीरे का रोजाना सेवन जरूर करना चाहिए. ये लेना आसान है, इसे खाना भी आसान है. आप सैलेड हमेशा खाते हैं, बस खीरे की सैलेड आप खाएं. ये छोटा सा मैसेज, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी, प्लीज अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइए. अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करें. प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन, उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें. मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ. तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. ओके, बाय.